और एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे आप, नेता अशोक तंवर भाजपा में शामिल हो गए हैं। हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई है। बेहद खास जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि भाजपा का कुनबा अब बढ़ रहा है, लेकिन इनकी ट्रेन कांग्रेस से तो चल पड़ी थी, पहुंचनी यहां थी, लेकिन वो कांटा बदलने के कारण से पहुंच गई कहां, आम आदमी पार्टी। तो उस समय हमें लगा कि गलत कदम इन्हें उठा लिया, लेकिन अनुभव इनको अपने आप ही आना था, वो आ गया। और अब जब हमारी बातचीत हुई कहने के अंतोगत्वा, मुझे देश के इस वातावरण को देखते हुए जो इस समय है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहिए, तो उनका स्वागत है आपका। हम लोगों ने बैठ के बातचीत की और उसके बाद आज वो दिन है कि जब आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है अपने सैकड़ों समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ। मैं इस अवसर पर आपका स्वागत करता हूं और पुनः विश्वास दिलाता हूं कि इन सब कार्यकर्ताओं का स्थान और सम्मान जैसा एक सामान्य कार्यकर्ता या जो भी क्षमता योग्यता जिसकी होती है उसके हिसाब से और सबको सम्मान मिलेगा, इतना विश्वास करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आज इस कार्यक्रम में अच्छी बात यह है कि हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी जी हैं, संजय जी बैठे हैं, महेंद्र पांडे जी आए कि नहीं, तो हमारे अनिल बलूनी जी, तो इन सब लोगों के सामने ये सारा कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। तो विट्रेस के नाते आप सब लोगों की विट्रेस, ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं आग्रह करूंगा अशोक तंवर जी से, अशोक तंवर जी आज ऐसे दिन भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं जब भगवान राम भी आने वाले हैं, ऐसे शुभ अवसर पर वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उनका स्वागत है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह मीडिया को संबोधित करें। सम्मानित मंच, सामने बैठे सभी हमारे तमाम साथीगण जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की मेरे साथ मेंबरशिप ली है, और हजारों साथी अभी बाहर हैं और लाखों साथी जिन लोगों ने मेरे साथ पिछले 3 दशक में अलग अलग जिम्मेदारियों में साथ काम किया है, उनकी भावनाएं भी हैं। सब लोग आज यहाँ आ नहीं सकते थे जब माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से, नायब जी से और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात हुई, तो उनका ये मानना था कि ज्वाइनिंग दिल्ली में करेंगे और जब कभी बड़ा प्रोग्राम होगा, रैली होगी, आपके हजारों साथी और होंगे, तो हम उनको चंडीगढ़ ज्वाइन करवाएंगे। मैं तमाम उन साथियों से माफ़ी भी चाहूँगा जो आज जिनको हम नहीं बुला पाए, और सब जानते हैं इस बात को कि किस तरीके से पिछले 10 वर्षों में आदरणीय देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बदला है, किस तरीके से देश की एकता अखंडता को लेकर के एक बड़े पैमाने पर काम हुआ है, करोड़ों लोगों का भाग्य बदले, उनका जीवन स्तर ऊपर उठे, ये देश दुनिया में शीर्ष पर पहुँचे, इसके लिए पूरी टीम के रूप में जो काम हुआ है उससे मैं भी और हमारे साथी सभी प्रभावित भी हैं। और मैं समझता हूँ कि आज उस विकास की यात्रा में जो देश जब 100 साल पूरे करेगा 2047 में, जो एक सपना है कि पूरे दुनिया के शीर्ष पे भारतवर्ष हो, हमारा गौरव, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता वो पूरी दुनिया के अंदर छा जाए, इस भारतवर्ष के एक एक भारतवासी को मौका मिले कि वो अपनी शक्ति का सदुपयोग करते हुए अपना अहम योगदान देश की तरक्की में दे, ऐसी हमारी कामना है। और मैं, जैसा भी बलोनी जी ने कहा, ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि 2 दिन बाद 22 तारीख को अयोध्या के अंदर जब रामलला वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठान होगा, उससे पहले मुझे भी ये सौभाग्य मिला कि मैं भी उस सांस्कृतिक हमारा जो धरोहर है जिसके लिए पूरी दुनिया के अंदर ये भारतवर्ष जाना जाता है, उससे पहले मैं भी इस भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य के रूप में, इस परिवार के रूप में एक सदस्य के नाते मेरी और मेरे साथियों की एंट्री हुई है। मैं आदरणीय नड्डा जी का भी
तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का बहुत बहुत आभारी हूं कि आज उन्होंने ये सहमति दी कि मैं आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में प्रवेश हूं और आने वाले समय में देश के निर्माण में जो भी हमारी जिम्मेदारी हो, जो भी भूमिका हो, वो हम निभाने का काम करें। मैं एक साधारण परिवार से हूं, मेरे पिताजी यहां बैठे भी हैं, फौजी परिवार से हैं, किसान मजदूर परिवार से हैं, और हम तो हमेशा जीवन में हमने यही सोचा कि सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत के बल पर हम इस देश को आगे बढ़ाने का काम करें, और वही सपना लेकर के आज मनोहर लाल जी जो हरियाणा में काम कर रहे हैं, हमारे नायब सैनी जी, अरुण जी, मलोनी जी, संजय जी, सभी एक टीम के रूप में हमारा एक ही लक्ष्य होगा कि 2024 के अंदर हम पुराने सारे लोकसभा के रिकॉर्ड पार करें, 400 का आंकड़ा हम पार करके इस देश के अंदर एक सुशासन और किस तरीके से इस देश को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं उसके लिए।